नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंजर कृषि उपज मंडी में आज 3 दिन की छुट्टी के बाद सैकड़ों कपास वाहन नजर आए। सुबह 10 बजे से नीलामी शुरू होते ही नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर कार्यकर्ताओं के साथ नीलामी स्थल पहुँची है। 1-2 बैलगाड़ियों की नीलामी होते ही CCI के अधिकारी शरद महंसे से एक बैलगाड़ी की खरीदी को लेकर किसानों में बवाल मच गया है। उन्होंने उक्त बैलगाड़ी को MSC 4,800 रुपए क्विंटल के भाव से खरीदी को लेकर अपनी मांग पर अड़ी रही। साथ ही नीलामी में हिस्सा लेने आए व्यापारियों को उक्त बैलगाड़ी खरीदने की बात कहती रही, लेकिन व्यापारियों ने कपास की क्वालिटी को लेकर असंतोष व्यक्त किया, जिस पर किसानों ने मंडी के मेन गेट पर बैलगाड़ी लगाकर रास्ता जाम कर दिया है, जो लगभग 2 घंटे तक अवरुद्ध रहा, जिससे मंडी में नीलामी कार्य अवरुद्ध रहा है। वहीं कुछ किसान मेन गेट को बंद करने हल्के कपास की खरीदी को अनुचित बताते हुए देखे गए हैं। कुछ किसानों का कहना पड़ रहा है कि यदि CCI इसी तरह से यदि हल्का माल खरीदी करेगी तो बहुत ही जल्द CCI बंद हो जाएगी। कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और स्थिति अपने हाथ में लेकर जाम खुलवाया, जिसके बाद नीलामी कार्य शुरू करवाया है। इस बीच आंदोलन नेत्री मेघा पाटकल ने अंजर के कपास व्यापारियों से भी बात कर किसानों को उनकी उपज का उचित भाव देने की बात रखी है। वही नेत्री मेघा पाटकर यह कहती दिखाई दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंडियों को बंद करने की जो नीति है, ये उसी का परिणाम है। सरकी जितनी निकलेगी जिनिंग सरकी से लाखों रुपए कमाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी हिसाब करके आई नंदुरबार। अंजर से सखिल मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।